सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, मोस्ट वायलेंट जो मुझे नहीं लगा, स्टोन पेल्टिंग से, बेरोजगारी से, तो यही वजह है मैं यहाँ आज आई हूँ, ताकि मेरे बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे, ये बच्चे जो हमेशा महरूम रहे हैं इस स्कीम से, और बहुत मुबारक की बात है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार ऑनरेबल एलजी की तरफ से जो हमें हिदायत है कि डाउनटाउन एरिया में जाके हम काम करें, डाउनटाउन एरिया के बच्चों को हम फायदा दे पाएं। अभी तक जितनी स्कीम्स थी वो रूरल एरियाज की थी, इस बार पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अर्बन एरियाज के लिए 1300 करोड़ रुपए दिया है, और मैं ये चाहती हूँ ये सही बेनिफिशरी को सही तरीके से, बिना नेपोटिज्म, बिना कोई पॉलिटिकल राइवलरी, बिना कोई जात पात देखे, इन सब तक ही पहुंचे। बिल्कुल, जब स्कीम थी ही नहीं तो क्या फायदा उठाते, पहली बार स्कीम आई है और अभी तक हमने 3 महीने से जो कोशिश की है, लगभग नवहट्टा में ऑलरेडी हम 13 करोड़ दे चुके हैं, मायसुमा में 5 करोड़ दे चुके हैं, हबाकदुल में 5 करोड़ दे चुके हैं, तो ये नंबर और जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है और हमको किस लिए रखा है सरकार में। यही काम है कि हम इन स्कीम्स को लोगों तक, नौजवानों तक, बच्चियों तक पहुंचा पाए, ताकि वो उस चीज का फायदा उठाए। कि मैं, ये बहुत ही अलग मुद्दा है, इस पे आप मेरे से अलग से चर्चा करें, क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू अपने बच्चे बच्चियों को ये इतला पहुंचाना चाहती हूं कि सरकार क्या बेहतर आपके लिए करे। इस पे आप मेरे साथ आधा घंटा और रूबरू होंगे, इस पे हम, मैं पूरी तफसील से आपको जानकारी